अपने को जाना है यहाँ पे, मुंबई से इतना दूर आया हो तो हक तो बनता है घूमने का। हाँ, कितना ठंडा है अंदर, सुकून है। अभी हम आ गए हैं लोरा कैब्स, सो अभी इधर टिकट लेने वाले हैं। तो इधर टिकट लेने के बाद अंदर के साइड जाएंगे। टिकट कितने का है अंदर की साइड? कैलाश टेम्पल। तो जैसा मेरे पास कैश था नहीं, तो मैंने ऑनलाइन पेमेंट किया और एलोरा गुफा, एलोरा केव्स, एलोरा गुफा जो भी है उसके अंदर एंट्री कर चुका हूँ मैं अभी। और अंदर ना, सच बोलूँ ना, मुझे सुन के एक चीज़ बहुत अच्छा लगा। अंदर पता है कैलाश मंदिर है, तो यार सुन के तो एकदम मन ही खुश हो गया। तो मैं आपको भी कैलाश मंदिर घुमाता हूँ, आप भी मेरे साथ चलो, मज़ा आएगा आपको भी घूम के। मैं तो जा रहा हूँ भाई इंजॉय कर, स्केट है, स्केट से पूरा घूमूंगा, प्रैक्टिस भी करूँगा। अंदर आपको दिखाता हूँ कि एलोरा कैब्स कैसा है, जो कि औरंगाबाद में स्थित है। कुछ फैसिलिटीज़ भी, अगर एजेड पर्सन आते हैं तो उनको लोगों ने फैसिलिटी रखी है घुमाने की, तो अच्छी बात है। आई डोंट नो फ्री है कि नहीं फ्री है, काफ़ी जगह तो फ्री रहता है घुमाने का, क्योंकि उन लोग टिकट का पैसा तो लेते ही है। लेट्स सी, देखते हैं अंदर कैसा है। मैप्स है इधर, लोकेशन प्लान, डिस्टेंस फ्रॉम, अपने को जाना है यहाँ पे। तो पहले यहाँ फटाफट चलते हैं, फिर आगे घूमेंगे पूरा एलोरा कैब्स। ओके गाइस, चलते हैं। जोगेश्वरी ग्रुप ऑफ कैब्स भी है, जो मुझे जोगेश्वरी की याद आ गई मुंबई। तो अभी कुछ दूर चल के आने के बाद मुझे एंट्री गेट मिला, जो कि कैलाश मंदिर के लिए जहाँ से एंट्री करते हैं हम, उसे बहुत लोग आए घूमने के लिए। जब तो लेके चलता हूँ मैं आपको अंदर के साइड। थोड़ा मैं थक गया हूँ क्योंकि कल से ही निकला हूँ घूमने जा रहा हूँ, रेस्ट कुछ नहीं किया, सकल से दिख रहे हैं। बहुत सारी कलाकारी की गई है। यहाँ से एंट्री गेट है, यहाँ से चलेंगे, इंटर होंगे अंदर के साइड। कैलाश मंदिर अंदर के साइड है ना? ओके, सो एंट्री हो चुकी है हमारी, आके गुड गई। तो हम अंदर की साइड जा रहे हैं, कैलाश मंदिर अंदर की साइड ही। वाओ यार, नाइस, काफ़ी अच्छा बना है, आप देख सकते हो कलाकारी अच्छी की गई है, बहुत अच्छी कलाकारी की गई है। मेरा यहाँ आने का काफ़ी टाइम से सपना था, मतलब ऐसा सोचा था कि जाऊँगा जाऊँगा, एक तो ज्योतिर्लिंग का दर्शन भी करना था, तो आज फाइनली वो दिन आ ही गया। पर मुझे कैलाश मंदिर ढूंढने, काफ़ी बड़ा है तो ढूंढने में थोड़ा दिक्कत होगा मुझे, मुझे पूछना पड़ेगा कि कैलाश मंदिर कौन सा साइड है। ये कुछ बुद्धा की मूर्ति लग रही है। जो अपने 20 की नोट है उस पे एलोरा कैब से दिखाया गया है, जो कि यही जगह है। ओके गाइस, सो अभी अंदर ढूंढ ढूंढ के मैं थोड़ा सा वो गया कि किधर है टेंपल, मुझे मिला नहीं, तो मुझे एक बार पूछना चाहिए तो वेस्ट रहेगा। सो गाइस, मुझे फाइनली रास्ता थोड़ा पता चल गया, भाई ने मुझे बताया, तो काफ़ी ढूंढ ढूंढ के थक गया था, दुखी मिल नहीं रहा था। तो अभी फ़िलहाल हम लोग चलेंगे सीधा शिवलिंग का दर्शन करने। ओके लेट्स सी, फटाफट चलते हैं, टाइम है नहीं, अपने को निकलना है। तो आई थिंक ये यहाँ पे मैं आना चाहता था, थैंक गॉड, कैलाश टेम्पल। तो अंदर साइड चलते हैं, पहले शूज़ वगैरह निकाल। तो अभी एंट्री कर रहे हैं हम लोग हर हर महादेव। कितना ठंडा है अंदर, सुकून है, काफ़ी ज़्यादा सुकून है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद। अलग अलग मूर्ति बनाई गई है यहाँ पे, कुछ इस तरह की, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो ये राइट वाला लाएगा, नहीं तो कंटिन्यू लेफ्ट साइड वाला। ये सेंटर में अन्नपूर्णा है, चटी जो कमल के फूल के ऊपर खड़ी हुई है, अन्नपूर्णा प्लस है। आपको कैलाश का भी दर्शन करा दिया है, तो ये आप दर्शन कर सकते हो। तो अभी फाइनली मेरा दर्शन वगैरह हो चुका है, काफ़ी ठंडा है ये जगह, बैठने का मन कर रहा है। तो 5 to 10 minutes थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। मुंबई से इतना दूर आया हो तो हक तो बनता है घूमने का।
भोलेनाथ का दर्शन तभी सफल होता है जब आप नंदी जी का दर्शन करते हो तो और मनोकामना पूरी कर ली जाए। हर हर महादेव। ये रहे नंदी जी, तो अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं। तो यहाँ पे ऊपर आने के बाद कुछ इस तरह का नीचे का व्यू दिखता है, काफ़ी बड़ा है ये केव। अगर घूमना रहेगा तो अंदर बहुत बड़ी बड़ी सब गुफाओं टाइप बना हुआ है, पर मेरे पास ना भी टाइम नहीं है, सॉरी गाइस। तो मुझे थोड़ा बस कैलाश टेम्पल का दर्शन कराना था और यहाँ थोड़ा सा विजिट करके क्या है, आने का चार्ज क्या है, फीस क्या है, तो वो सब मेरे को बताना था। तो फिलहाल आप आओ तो पूरा घूम के जाओ, टाइम निकाल के जाओ एक दिन का। तो गाइस अभी फ़िलहाल मैं निकलता हूँ। तो फाइनली मैं घूम के हो चुका, तो आप भी गाइस विजिट करो, यहाँ पे काफ़ी अच्छी जगह है। तो अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, काफ़ी लोग आए हुए हैं आप देख सकते हो, और यहाँ पे आप देखो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हैं, एक समान है, तो हर कोई यहाँ आ रहे हैं। तो फिलहाल अब हम चलते हैं। फॉरेनर भी बहुत सारे विजिट करते हैं, पर फॉरेनर के लिए काफ़ी हाई चार्ज इन लोगों ने रखा है, 600 रुपये रखा है, और इंडियन के लिए कुछ 40 रुपीज़ ऑफलाइन टिकट एंड ऑनलाइन 35 रुपीज़। तो मैंने ऑनलाइन पेमेंट करके 5 रुपये अपना बचा लिया। तो फिलहाल अभी यहाँ से गाइस हम निकलते हैं, नीचे की साइड चलते हैं।